सोनभद्र जिला अस्पताल में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ ही उनको सुबह और शाम भोजन की भी व्यवस्था है, लेकिन जिला अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से या तो मरीजों को खाना नहीं मिल पाता और अगर मिलता भी है तो वह इस स्थिति में नहीं होता कि मरीज उसको खाकर स्वस्थ रह सके, या फिर यूं कहे कि स्वस्थ व्यक्ति भी यदि वह खाना खाए तो वह बीमार हो जाए। हालांकि जब इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पर्याप्त मात्रा में दाल, आटा व अन्य सामान रखा गया है और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। सोनभद्र के जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज के साथ ही सुबह और शाम भोजन दिए जाने की भी व्यवस्था है, जिसमें मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की बकायदा मेन्यू बनाया गया है और जिला अस्पताल में इसके लिए किचन की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, जिला अस्पताल में भोजन बनाने के लिए कुक की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन कुक का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा जो सामान दिया जाता है उसी सामान से मरीजों के लिए खाना तैयार किया जाता है, चाहे सामान पर्याप्त मात्रा में हो या कम में, सभी मरीजों को देना होता है। जबकि जिला अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, दाल में पानी ही पानी है, दाल कहीं नजर आती है तो कहीं नहीं, नमक तक भी इसमें कम होता है, इतना ही नहीं जो सब्जी दिया जाता है वह अच्छे से पकी नहीं होती और जो रोटी दी जाती है कुछ ठीक होती है तो कुछ कच्ची होती है या कुछ जली होती है, ऐसे यह खाना पूर्ति की जाती है। हालांकि संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पीवी गौतम का कहना है कि मरीजों को भोजन दिए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दाल, आटा और सब्जी की व्यवस्था है और मरीजों को दिया जा रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आप ही एडमिट हैं? या? आप ही एडमिट हैं यहाँ पे? हाँ। क्या हुआ है आपको? तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर आते हैं समय पे? इलाज उलाज अच्छा होता है? 10 बजे आते हैं, 10-11 बजे। 10-11 बजे तो इलाज सही से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? समय समय लोग चेकिंग करते हैं? समय समय पे चेकिंग, बुलाया जाता है तब आते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा, बुलाया जाता है, ऐसे नहीं आते? अपने से नहीं चलता। तो आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ के इलाज से? नहीं है क्या? खाने की भी गवर्नमेंट यहाँ पर व्यवस्था देती है पेशेंट को, तो खाने में आप लोगों को क्या मिलता है? रोटी मिलता है, दाल मिलता है, सब्जी। अच्छा भोजन है? नहीं, अच्छा भोजन नहीं है। क्या उसमें क्या समस्या है भोजन में? भोजन में वो रोटी जली रहती है, बढ़िया पूरा जली हुई रोटी। और दाल? दाल पानी की। दाल सही नहीं है? नहीं। किस चीज़ की दाल रहती है? अरहर की। अरहर उसमें नहीं रहता है? हाँ, उसमें अरहर रहता नहीं है? नहीं, पानी रहता है। अच्छा, तो कौन बताया कि ये दाल अरहर की है? बताते हैं जो देते हैं, वही बताते हैं। जो देते हैं वो बताते हैं। और सब्जी किस चीज़ की मिलती है? लौकी और आलू। लौकी नहीं दिखाई देता है, आलू दिखाई देता है। आलू दिखाई देता है। तो क्या सब्जी सही टेस्टी रहती है? नहीं, टेस्टी नहीं रहती है। आप लोग इसकी शिकायत कहीं की है? किसी शिकायत करेंगे नहीं, इसके ऊपर तो विभाग बना है, CMO हैं, CMS हैं, सब हैं। नहीं, किसी से हम लोग शिकायत? आप लोग शिकायत नहीं की है? हाँ सर, यहाँ पे एक शिकायत आई है कि खाना के लिए, तो क्या विषय है? ठेकेदार द्वारा जो सामान दिया जाता है वो मेनू के हिसाब से दिया जाता है। कौन है ठेकेदार? राजेश सोनी। और आप क्या हैं? हम यहाँ पे कुक हैं। कुक? अच्छा, क्या नाम है आपका? श्याम राम सिंह। तो ठेकेदार क्या क्या सामान देते हैं सोमवार मंगलवार को? यहाँ प्रतिदिन वही दाल रोटी सब्जी के लिए, तो सब्जी और आटा दाल देते हैं। कई रोटी देते हैं? 5 रोटी। दाल कितनी देते हैं? दाल 1 कटोरी। 1 कटोरी में कितनी दाल आती है? अब 1 कटोरी से अब कितना उसमें बताएंगे? 1 कटोरी उसमें लिखा है मेनू में, वहाँ पर बाहर लिखा है, देख लीजिए। 1 कटोरी दाल देते हैं, सब्जी देते हैं और 5 रोटी देते हैं। सर, एक मामला प्रकाश में आया है कि यहाँ पे मरीजों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है और दाल बिल्कुल पानी जैसी है, तो इसके क्या कहेंगे आप? किसने शिकायत की हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो मौके पर चल के ही देख सकते हैं, वैसे ये कहना गलत है। वहाँ सब्जी सुबह रोज फ्रेश सब्जी आती है, दाल रोटी सब्जी मिलती है मरीजों को, और ये कहना गलत है कि दाल में दाल नहीं होती। दाल वहाँ बोरे की बोरा में दाल पड़ी रहती है, ऐसी बात नहीं, दाल कमी नहीं है ना, सब्जी कमी है। ये किसी मरीज का अब किस वजह से कहा कह रहे हैं पेशेंट, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो सर, मरीजों का ये भी कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, अगर बुलाने पे आते हैं और बाटल चेंज करते हैं।
देखिए डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर का ये काम ही होता है, कहीं जैसे ओपीडी बैठा हुआ है, कहीं वार्ड चला गया पेशेंट, कहीं चला गया, कहीं ओटी में है, कहीं इमरजेंसी में है, तो हो सकता है कि संजोग बस जब मरीज बुला रहा हो कहीं किसी जगह हो, अदरवाइज डॉक्टर तो मिलते हैं, इसी बात नहीं कि मरीज नहीं मिलते, सारे डॉक्टर आते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करने आए हैं जिला चिकित्सालय में? दवा कराने। किसका? परिवार का। परिवार का क्या हुआ है? परिवार को ये हाथ गोड़ में झुनझुनी था, बेहोश है, चक्कर ऊपर आता था। तो इलाज उलाज सही चल रहा है? इलाज उलाज क्या सही चल रहा है, अभी इलाज करा के आए हैं डॉक्टर साहब, गए डॉक्टर साहब चले गए। तो खाना वाना मिलता है हॉस्पिटल से? खाना मिलता है, कल मिला है, आज मिला है, लेकिन तो कोई उसमें फायदा है नहीं। क्यों, क्या ऐसा है खाने में? खाना खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। कोई स्वाद नहीं है? क्या है? खाना कैसा है? दाल चावल क्या क्या मिलता है? बस रोटी मिल रहा है, चाटो, हाँ, सब्जी मिल रहा है, लौकी आलू का, हाँ, दाल यही है। कौन सी दाल है? ये दाल है, अरहर का है। अच्छा, अरहर का है, हाँ, यही पानी है। अच्छा, ये पानी है, और है क्या इसमें? अच्छा, कुछ है नहीं? नहीं।